हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम यूपीएससी के आईएससी सेट की जनरल स्टडीज 2020 की 2020 प्रीलिम्स पार्ट थ्री लेके पर क्विज लेके आए हैं। ये पार्ट थ्री है प्रीलिम्स के, 2020 प्रीलिम्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को रेफरेंस लें तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से हमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सेकंड, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थर्ड, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स। थर्ड, दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स। फोर्थ, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से सही है फोर्थ, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। थर्ड, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। बायोकेमिकल सेंसर्स में भी काम आते हैं आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज बनाने में, जो इंजर्ड पार्ट ह्यूमन बॉडी की है उसको रिप्लेस करने में या फिर नए बनाने में भी वो मदद करते हैं। उसके साथ ही वो कैरियर्स ऑफ ड्रग्स और एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी एज ए वो भी यूज़ किया जाता है। और कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ऑल ऑफ द फोर आर करेक्ट, ऑल ऑफ द फोर आर करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्पॉटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी सक्सेसफुली कैरी आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। तो उन तीनों में से कौन से ऐसे हैं जो सक्सेसफुली, अगर आप आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ऊपर दिए गए में से कौन सी एक्टिविटी है वो ड्रोन सक्सेसफुली कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इन्फ्लुएंस। मतलब सिर्फ ड्रोन की एक्चुअली टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कौन से भी काम विदाउट कुछ ह्यूमन, बस अगर ह्यूमन ने एक थोड़ा सा प्रोग्राम लिया, कमांड दे दी गई, बस कर दिया। तो इनमें से सही है फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ द थ्री। यानी कि तीनों चीज़ें विदाउट एनी ह्यूमन इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से हम कर सकते हैं। स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। थर्ड, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्पॉटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1,000,000 kilometers लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन क्वेश्चन रेफर्स टू, जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको रेफर करता है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। फर्स्ट, वोयागर 2, न्यूज हॉरिजॉन्स, लिसा पाथफाइंडर, इवॉल्व लिसा। इसका सही आंसर है फोर्थ, इवॉल्व लिसा। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1,000,000 kilometers लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो इवॉल्व लिसा से जुड़ा हुआ है, रेफर्स करता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेटिक पेरेंट। सेकंड स्टेटमेंट, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। थर्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन टू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेटिक पेरेंट। सेकंड, अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। थर्ड, ह्यूमन इंडक्ट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन टू द एम्ब्रियो ऑफ ए पिग। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। जो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है इंडिया में, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके
these vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. ये जो वैक्सीन्स हैं वो इफेक्टिव न्यूमोनिया में इफेक्टिव हैं एज वेल एज मेनिंगिटिस और सेप्सिस में भी वो इफेक्टिव हैं. सेकंड, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड. थर्ड, दिस वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शंस. ये वैक्सीन्स हैं इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं है. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन्स के इंपॉर्टेंस से, इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स ओनली आर करेक्ट व्हाइल द थर्ड इज इनकरेक्ट. इसके साइड इफेक्ट्स हैं इन वैक्सीन्स के और एलर्जिक रिएक्शंस भी हैं. जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है, दिस वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेलिंगिनिटिस एंड सेप्सिस और डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक दैट्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड. ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. जो टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके लिए यूज होता है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म यूज़ किया जाता है भारत में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स. प्लांट और एनिमल सेल्स के जो डिफरेंस है, जो जनरल डिफरेंस है, इसके लिए ये नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट, प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स. जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास सेलुलोज सेल वॉल्स होती है वाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स. सेकंड, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू. प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है जैसे कि एनिमल सेल में होती है. मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल. जो मैच्योर प्लांट सेल होती है उसके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो ऐसा ऑप्शन है थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज वाइल सेल वॉल. प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है प्लांट सेल्स में. वाइल्ड एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल्स, मुझे एनिमल सेल के पास सेल वॉल्स ही नहीं होती. और एंड थर्ड स्टेटमेंट, मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल. एक मैच्योर प्लांट सेल्स में एक बड़ी सी वैक्यूल होते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं जिसका जो एज ए फूड स्टोरेज जो रहता है उस बड़े वैक्यूल का यूज़ किया जाता है एज ए फूड स्टोरेज वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू द बेंजीन पोल्यूशन. नीचे दिए गए में से कौन सा फैक्टर और रीज़न एक्सपोजर है बेंजीन सॉल्यूशन का, मतलब बेंजीन पोल्यूशन बढ़ाता है और एनवायरनमेंट में उसे प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. सेकंड इज टोबैको स्मोक. थर्ड इज वुड बर्निंग. फोर्थ, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर. एंड फिफ्थ, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड फॉर पॉल्यूरुइथेन. तो इन पांचों में से कौन सा रीज़न है जो कि बेंजीन पोल्यूशन को बढ़ाता है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से करेक्ट है ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमें चूज़ करना है और उनमें कौन से स्टेटमेंट दिए गए जो कि सही है ये भी हमें चूज़ करने हैं. तो सभी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर इज फोर्थ ऑप्शन. ऑल फाइव आर द रीजंस और फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर ऑफ टू द बेंजीन पोल्यूशन. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से बेंजीन पोल्यूशन होता है, टोबैको स्मोक से ही बेंजीन पोल्यूशन होता है, वुड बर्निंग से ही यानी कि अगर हम लकड़ियाँ जलाएं तो भी बेंजीन पोल्यूशन होता है, यूजिंग वार्निश वुडन फर्नीचर उससे भी बेंजीन पोल्यूशन होता है, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयुरेथेन उससे भी बेंजीन पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एंड पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया. अगर कोई एक और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए फ्यूचर में,
मतलब जिस 2020 में कोरोना आया या फिर 2020 2022 में कोई अगर और भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए और एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, तो नीचे देखे में से कौन सी पॉलिसी या फिर एक्शन इंडिया को इम्यूनिटी देगी, कुछ सम इम्यूनिटी देगी इंडिया को फाइनेंशियल बेसिस पर। एक ऑप्शन फर्स्ट, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स, अगर हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोविंग्स पे डिपेंड ना रहे तो। सेकंड, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ज़्यादा फॉरेन बैंक्स ओपन होगी तो। थर्ड, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, अगर हम फुल कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करें कन्वर्टिबिलिटी में तो, अगर हम कर सकते तो। तो नीचे ऊपर दिए गए में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो यहाँ पे वैसा है फर्स्ट ऑप्शन ओनली, सो नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स, यही सही है, बाकी के दो गलत हैं। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स एंड मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू विदड्रॉ 1 lakh इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, अगर हम अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 lakh का विड्रॉ निकाले कैश में, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, अगर जो इमीडिएट इफेक्ट होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई में इकोनॉमी के, तो क्या होगा, टू रिड्यूस इट बाय 1 lakh, टू इंक्रीज इट बाय 1 lakh, टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 lakh, टू लीव इट अनचेंज्ड, तो इसका सही आंसर है टू इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 lakh, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितस, तो पारामितस इस टर्म को अगर हम कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रेफरेंस में लें, तो नीचे दिए गए में से कौन सा रेफरेंस पारामितस को सही दर्शाता है। फर्स्ट, द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन अप्सोरिस्टिक सूत्र स्टाइल। सेकंड, फिलोसॉफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास। थर्ड, परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ। फोर्थ, पावरफुल मर्चेंट गाइड्स ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, परफेक्शंस हुज अटेंड लेड टू द बोधिसत्व पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, फर्स्ट वुमन्स राइट टू गेन एडुकेशन, सेकंड एज ऑफ कंसेंट, थर्ड रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो नीचे दिए गए में से कौन सा, ऊपर दिए गए में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री में रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व के अराउंड है, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट वो है करेक्ट, और जो फर्स्ट है वो गलत है, वुमन्स राइट टू गेन एडुकेशन इसके अराउंड नहीं है, सेकंड एज ऑफ कंसेंट के अराउंड है, और रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इसके अराउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, जो इंडिगो कल्टीवेशन है इंडिया का वो कम हो चुका है बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, किसके कारण। फर्स्ट स्टेटमेंट, पीसेंट रेजिस्टेंस टू द ऑप्रेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, सेकंड ऑप्शन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, थर्ड नेशनल लीडर्स ओपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, एंड फोर्थ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस के कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो वर्ल्ड मार्केट में है वो कम हो चुके हैं, इसलिए ये अनप्रॉफिटेबल है अभी इंडिगो कल्टिवेशन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेलिसली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ऑफ, वेलिसली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलिसली ने फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में बिकॉज, क्योंकि ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द लंडन टू डू सो,
Second, he wanted to revive interest in Oriental learning in India. Third, he wanted to provide William Carvey and his associate with employment. Fourth, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन. He wanted to train British civilians for administrative purpose in India. यहाँ उनका ये इरादा था कि वो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया के लिए, इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होगा उसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को रेफरेंस लें तो अलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. अलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट ये किसका डिस्क्रिप्शन है नीचे दिए इवेंट्स में से. फर्स्ट ऑप्शन द रिवोल्ट ऑफ 1857. सेकंड द मपिला रिबेलियन ऑफ 1921. थर्ड द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60. बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899-1900. इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899-1900. ये रेफरेंस करता है उलगुलान और ग्रेट टुमल्ट को, डिस्क्रिप्शन को, ये इवेंट बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899-1900. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एशियंट इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर हम स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एशियंट इंडिया को रेफरेंस में लें तो नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है. फर्स्ट पनिनी इज एसोसिएट विद द पुष्पमित्र शुंगा. सेकंड अमर सिम्हा इज एसोसिएट विद हर्षवर्धन. थर्ड स्टेटमेंट कालिदासा इज एसोसिएट विद द चंद्रगुप्त सेकंड. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें चूज करना है. इसमें से जो थर्ड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, कालिदासा इज एसोसिएट विद चंद्रगुप्ता टू. तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यही आंसर है. बाकी के दो जो स्टेटमेंट है पनिनी इज एसोसिएट विद पुष्पमित्र शुंगा ये गलत है. जो सेकंड स्टेटमेंट है अमर सिम्हा इज एसोसिएट विद हर्षवर्धन वो भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर. अगर हम रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर. सबसे पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म. सेकंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स. थर्ड डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स इनटू द फंक्शनल एम्ब्रियोस. एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग. जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है जो ऑफस्प्रिंग में ना हो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का. बाकी के जो ऑप्शन है या स्टेटमेंट्स है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर हम आज के स्टेट ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली नीचे दिए में से कौन सा स्टेटमेंट कर सकता है या फिर क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कम करना. क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स को तैयार करना. थर्ड डिसीज डायग्नोसिस करना डिसीज का. टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन, जो हम बोल रहे हैं वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाए. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन जो टेस्ला का सपना था वो भी. फिफ्थ तो इनमें से पांचों में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हैं फ्यूचर में अगर हम प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखें. तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, सेकंड थर्ड ऑप्शन है. सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स आर वी कैन डू. सेकंड क्या है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. फोर्थ है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्शन और फिफ्थ है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसकी वजह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कर सकते हैं. बाकी ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट ये नहीं कर सकते और डिसीज डायग्नोसिस ये भी हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19.
with reference to the visible light communication VLC technology, which of the following statements are correct? तो नीचे दो में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अगर हम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन को रेफरेंस में इस टेक्नोलॉजी को रेफरेंस में ले तो VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर सेकंड VLC यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ VLC ट्रांसमिट कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ब्लूटूथ से भी ज़्यादा फास्टर तरीके से फोर्थ VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस VLC के पास किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चूज करना है तो इनमें से फर्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है एक्चुअली तो इसका सही आंसर हमें मिलता है थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 nanometer. इसके बीच में ही VLC visible light communication technology wavelength use करते हैं light की wavelength इसी बीच में 375 to 780 nanometer के बीच के जो wavelengths होते हैं उसी के electromagnetic waves हम use कर सकते हैं VLC is known as long range optical wireless communication ये गलत है ये statement गलत है VLC can transmit large amount of data फास्टर देन ब्लूटूथ VLC बहुत बड़े पैमाने पर डाटा ट्रांसफर कर सकता है फास्टर देन ब्लूटूथ VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस VLC में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेफरेंस में लेकर ले तो नीचे दिए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये हमें फाइंड करना है फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स सेकंड द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली थर्ड एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनी बडीज परमिशन तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें चूज करना है तो इनमें से सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट वही करेक्ट है बाकी के दो गलत हैं तो ऐसा ऑप्शन हमारे दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट तो यही आंसर है इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स जो पब्लिक लेजर है जो एवरीवन कैन इंस्पेक्ट सभी लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन कोई भी सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता जो सेकंड स्टेटमेंट है द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली ये गलत है और जस्ट थर्ड स्टेटमेंट एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडीज परमिशन ये भी गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रेफरेंस में लें तो नीचे गए में से कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट सेकंड बनियन इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनियन है वो बनियन इंडियन एजेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनियन इंडियन जो है वो एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे डैश यहाँ पे शायद मैं टाइप करना भूल चुका थर्ड मीरा सिदर डिजाइंड रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट जो डिजाइंड किया गया है वो रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट है मीरा सिदर तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें चूज़ करना है तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बनियन इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और जो थर्ड है मीरा सिदर डिजाइन इट रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट ये करेक्ट है यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है तो फर्स्ट है औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट वो गलत है अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रेफरेंस में ले तो ये जो पेयर है वो गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगर हम रेफरेंस में ले रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया को तो नीचे दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट करेक्टली मैच करेक्ट है ये हमें चूज करना है फर्स्ट थवीर विदंस बिलोंग टू द महायाना बुद्धिज्म लोकट्ट वरादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघ संघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म थर्ड द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका पोस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें चूज़ करना है तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है
जो कि लोको टर्वादिन सेक्ट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ महासंघ शिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये करेक्ट है। और द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बा महासंघ संघिकस पोस्टर द महायाना बुद्धिज्म, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नीचे दिए गए में से स्टेटमेंट से कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन करता है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जब फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंडिया पे हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, वो कौन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर रूंड। सेकंड, मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द लार्ज नंबर। थर्ड, रेलवे लाइन्स वेर लेड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फोर्थ, हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। इसका सही आंसर है फर्स्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर रूंड। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था वेर रूंड, वो रूंड हो चुके थे। ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंडिया पे जो असर हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है ये स्टेटमेंट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर नीचे दिए गए में से इवेंट को हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रेफरेंस में ले, तो कौन सा क्रोनोलॉजिकल जो ये ऑर्डर है वो सही बैठता है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब स्टार्टिंग फॉर द अर्लीस्ट टाइम, मतलब सबसे पहले ये हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, मतलब अगर इंडिया भारत का इतिहास देखे तो सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। तो सबसे पहला स्टेटमेंट था राइज ऑफ प्रतिहरस अंडर किंग भोजा। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन। फर्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ खोला पावर बाय पारंटका। फर्स्ट एंड फोर्थ, पल्ला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहरस अंडर किंग भोजा, उसके बाद पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय द गोपाला, फिर उसके बाद हुआ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन एक। तो ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोला पावर बाय परंटका वन, उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहरस अंडर किंग भोजा, फिर उसके बाद पल्ला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन एक। तो सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। देखिए शायद कभी कभी मैं भी गलत होता हूँ, इसी तरह से हमेशा पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ी से भी भूल जाते हैं, मैं कभी यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं करता, मैं याद रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो इसी वजह से ये कभी कभी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर उसके बाद पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, फिर उसके बाद राइज ऑफ प्रतिहरस अंडर किंग भोजा, फिर उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोला पावर बाय परंटका वन। तो ये इसके सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हिंदी जनरली रेफर टू इन द सोर्सेस ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। अगर हम नीचे दिए गए में से फ्रेसेस को डिफाइन करें, द नेचर ऑफ हिंदी जनरली रेफर टू द इन द सोर्सेज टू द पोस्ट हर्षा पीरियड। पोस्ट हर्षा पीरियड में हिंदी जनरली किसको रेफर किया जाता है, एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। सेकंड, द डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स। थर्ड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड फोर्थ इज एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी को क्या कहते हैं, अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसी तरह से हमारे 25 क्वेश्चंस खत्म हुए 2020 प्रीलिम्स पार्ट 3 के। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार रखिए अपने आप को, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें।
थैंक यू वेरी मच।